हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग ने चैप्टर नंबर सेकंड द विक्टिक के समरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, आज उसके हम लोग मीनिंग्स करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कंक्वेयर, कंक्वेयर मतलब होता है टू गेन विक्ट्री, मतलब जीतना। सेकंड होता है प्रोसीड, प्रोसीड मतलब टू मार्च अहेड, मतलब आगे बढ़ना। थर्ड है माइटी, माइटी मतलब स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली या सशक्त। फोर्थ नंबर का है टेरेन, टेरेन मतलब क्या होता है, ए पीस ऑफ लैंड कंसिडर्ड स्पेशली एज ए प्लेस फॉर ए बैटल, मतलब रणभूमि, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रणभूमि। नेक्स्ट है कैप्चर, कैप्चर मतलब होता है टेक प्रिजनर्स ऑफ वॉर, युद्धबंदी, मतलब कैप्चर मतलब जो युद्ध में हार जाते हैं उनको बंदी बना के रखना क्या कहलाता है, कैप्चर कहलाता है, ठीक है। माउंटेड मतलब होता है रोड, रोड मतलब सवार हुआ, ठीक है। माउंट का सेकंड फॉर्म माउंटेड है, तो राइड का सेकंड फॉर्म रोड है, ठीक है। वेल, वेल मतलब क्या होता है, शोक से विलाप करना, वेलिंग, वेलिंग मतलब क्या होता है, शोक से विलाप करना, ठीक है। तो क्राइंग आउट विथ ग्रीफ, ठीक है। फर्दर मतलब अहेड, आगे, ठीक है। फर्दर का सिनोनिम अहेड है आगे, ठीक है। बोनफायर, ए लार्ज फायर मतलब प्रज्वलित अग्नि। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली मतलब अत्यधिक, ठीक है, क्या होता है, अत्यधिक। इसका इंग्लिश में एक और मीनिंग होता है सेवरली, ठीक है, सेवरली, ठीक है। नेक्स्ट है ऑलरेडी, ऑलरेडी मतलब इन एडवांस, मतलब पहले से, ठीक है। इमीडिएटली मतलब एट वंस, तुरंत, ठीक है। हीप मतलब पाइल्स, ढेर। कारवान मतलब क्या होता है, काफिला, मतलब पहले के जमाने में जो महाराजा और होते थे ना, हाथी घोड़े पैदल के साथ में चलते थे, तो वो क्या करते थे, कारवान या काफिला लेके चलते थे। तो कंपनी ऑफ ट्रेवलर्स अक्रॉस ए डेजर्ट, ठीक है। पैटेड, पैटेड मतलब होता है पीठ थपथपाना, ठीक है। टच लाइटली विथ द फ्लैट हैंड, ठीक है। फिर इरिटेटेड मतलब क्या होता है, चिढ़ाना, ठीक है। ऑफेंडेड, ऑफेंडेड या इसका सिनोनिम्स होता है। नेक्स्ट है इग्नोर्ड, इग्नोर्ड मतलब अवहेलना करना, नेग्लेक्टेड, ठीक है। अप्रोप्रिएटेड, अप्रोप्रिएट क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड है अप्रोच्ड, अप्रोच मतलब रीच्ड या पास में पहुंचना, ठीक है। फेमस मतलब वेल नोन, प्रसिद्ध, ठीक है। पॉज्ड मतलब स्टॉप्ड, ठहरा हुआ। गैलेंस मतलब लुक, दृष्टि। स्टैच्यू मतलब आइडियल, बूत या मूर्ति, ठीक है। रिनाउंस मतलब क्या होता है, गिव अप, त्याग देना। गिल्ट मतलब ऑफेंस, अपराध। डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह से भी पहले का समय जो क्या कहलाता है, डॉन कहलाता है। पुट ऑफ मतलब क्या होता है, पोस्टपोन्ड या टाल देना, स्थगित कर देना। अब यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड वर्ड्स इन द लेसन विच हैव द मीनिंग गिविंग बिलो, ऐसा वर्ड्स बताने जो जो इस सेंटेंस की मीनिंग हम इस लेसन में बता रही है, ठीक है। फर्स्ट है ए लार्ज फायर मेड आउट ऑफ डोर्स फॉर प्लेजर और टू बर्न डेड लीव्स इन ए गार्डन, बहुत खुशी में दरवाजे के बाहर आग जलाना या जो मरे हुए पत्ते हैं इनको गार्डन में जलाना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, हम लोग ने देखे थे बोन फायर, ठीक है। सेकेंड वर्ड गॉट डाउन फ्रॉम ए हॉर्स, ठीक है। तो गेट डाउन फ्रॉम ए हॉर्स मतलब डिसमाउंटेड, ठीक है, क्या है, डिसमाउंटेड। थर्ड पार्ट ऑफ बॉडी बिटवीन द नेक एंड द टॉप ऑफ द आर्म, तो इसको क्या कहते हैं, शोल्डर्स, ठीक है। फोर्थ है सक्सेस इन बैटल और इन ए गेम, तो इसको क्या बोलेंगे, विक्ट्री या कंक्वेयर, ठीक है। फिफ्थ है क्लॉथ शेल्टर एज यूज बाय शोल्डर्स, तो इसको क्या बोलेंगे, शेल्टर्स के लिए जो सोल्जर्स के जो क्लॉथ यूज किया उसको क्या बोलते हैं, टेंट, ठीक है, शादी में भी यूज करते हैं इसको। फिर अब कुछ वर्ड है, रिफर टू डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, यूज देम इन सेंटेंस, कुछ वर्ड्स दिए हैं उनके हमको सेंटेंस भी बनाना है, ठीक है, डिक्शनरी से ढूंढ के। तो कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब क्या होता है, रूरल एरिया, ग्रामीण इलाका। विंटर मतलब ठंड का मौसम। चैंटिंग मतलब क्या होता है, उच्चारण करना, किसी शब्द का बार बार उच्चारण करना, जैसे राम राम बोलना, ये क्या कहलाएगा, चैंटिंग, ठीक है। टेकन एबैक मतलब हक्का बक्का रहेगा ना, शॉक रह जाना, ठीक है। डॉन मतलब सुबह का समय। तो इनके हम लोग सेंटेंस देखते हैं, कंट्री साइड रूरल एरिया, ठीक है। देयर इज ए डेवलपमेंट, देयर इज लिटिल डेवलपमेंट इन कंट्री साइड, मतलब जो गांव का एरिया होता है वहां पर डेवलपमेंट कम होता है।
विंटर कोल्ड सीजन, चिली विंड्स ब्लो इन विंटर्स, ठीक है, बहुत ही ठंडी हवाएं बहती है विंटर के सीजन में। टेकन एबैक मतलब शॉक रह जाना, शॉक्ड है ना। ऑन सीइंग ए डकैत सी वॉज टेकन अबैक, डकैत को देखते ही वो क्या रहेगी, शॉक्ड रहेगी, ठीक है। डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग, वी गेट अप एट डॉन एंड गो आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक, हम क्या करते हैं सुबह उठते हैं और मॉर्निंग वॉक में जाते हैं। अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो फाइव क्वेश्चन है यहाँ पर शुरू में, तो वन बाई वन आंसर देखते हैं। व्हाई डिड अलेक्जेंडर वॉन्ट टू कॉन्क्वेर इंडिया, तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर द ग्रेट हैड वॉन मैनी बैटल्स, उसने बहुत सारे युद्ध जीता था। हिज डिजायर वॉज टू कॉन्क्वेर द वर्ल्ड, उसका इच्छा क्या थी, पूरे वर्ल्ड को जीतने की थी। इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, उस समय भारत क्या जाना जाता था, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, इसलिए देयर फोर ही वॉन्टेड टू कन्क्वेर इंडिया, इसलिए वो भारत को जीतना चाहता था। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड अलेक्जेंडर सी व्हाइल मूविंग अराउंड द कंट्री साइड, उसने क्या देखा जब वो ग्रामीण इलाके में घूम रहा था। तो आफ्टर सम डेज ऑफ बैटल, युद्ध के कुछ दिनों बाद अलेक्जेंडर मूव अराउंड द कंट्री, ठीक है, कंट्री साइड, वो ग्रामीण इलाकों में घूम रहा था। ही मूव्ड ऑन द स्ट्रीट्स, वो कहाँ घूम रहा था, सड़कों पे घूम रहा था। ही सा डार्क हॉर्सेस, डार्क हाउसेस मतलब उन्होंने अंधेरे घर देखे। ही आल्सो सा बी वेलिंग वुमेन, उन्होंने क्या देखा, विलाप करते हुए औरतों को देखा एंड जो रोते हुए बच्चों को देखा, ठीक है, क्योंकि युद्ध में उसने बहुत सारे सैनिकों को मारा था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड अलेक्जेंडर रिलीज किंग पुरु एंड वेंट बैक विदाउट विनिंग द रेस्ट ऑफ इंडिया, उसने किंग पुरु को क्यों रिलीज कर दिया और वह इंडिया से वापस क्यों चला गया। तो इसका आंसर है, इस संत कॉल्ड अलेक्जेंडर ए रॉबरर एंड नॉट ए कॉन्क्वेरर और ए गिवर, एक संत ने क्या कहा था, अलेक्जेंडर को रॉबरर कहा था, न कि एक विजेता और गिवर। दिस स्टेटमेंट मेड अलेक्जेंडर सैड एंड पेल विथ सेम, ठीक है, इस स्टेटमेंट के कारण अलेक्जेंडर को बहुत ज़्यादा शर्म आ गई थी। द संत एडवाइज टू विन द हार्ट ऑफ द कंट्रीमैन, उसने संत ने क्या एडवाइस किया अलेक्जेंडर को कि वह जो देश के हैं उनके हार्ट, देश में रहने वाले लोग हैं उनके हार्ट को जीते, ना कि उन्हें इस तरह मतलब मार काट करके जीते, ठीक है। इसके बाद और उनसे क्या करें, द संत एडवाइज टू विन द हार्ट ऑफ द कंट्री मैन, उनके हार्ट को जीते विथ लव मैड अलेक्जेंडर फील्स गिल्टी, ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, अलेक्जेंडर को बहुत ज़्यादा गिल्टी हुई, ठीक है। देयर फोर ही रिलीज किंग पुरु, इसके कारण उसने क्या किया, किंग पुरु को रिलीज कर दिया एंड वेंट बैक विथआउट विनिंग रेस्ट ऑफ द इंडिया, और बिना ही जीते भारत के बाकी के पार्ट को वह वापस चला गया। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, हू डू यू थिंक वॉज ए रियल कन्क्वेरर, आपके अनुसार रियल विजेता कौन है, तो देखते हैं। आई एग्री विथ द संत, मैं किससे एग्री हूँ, जो संत ने कहा था द रियल कन्क्वेरर कौन है, विंस द हार्ट ऑफ कंट्रीमैन, जो देश के लोगों का दिल जीतता है वही विथ लव, वही क्या है, रियल विजेता है। ए रॉबरर कैन नेवर बी कन्क्वेरर एंड गिवर, एक जो लुटेरा है कभी भी विजेता और दाता नहीं हो सकता। लास्ट है, व्हाट मेड इंडिया फेमस एज द गोल्डन बर्ड, भारत की कौन सी ऐसी चीज थी जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था उस समय, तो देखते हैं इसका आंसर। इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन बर्ड ऑन द ओल्डन डेज, उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इट वॉज बिकॉज, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज सपोर्टेड बाय एग्रीकल्चर, जो व्यापार था और जो वहाँ का कॉमर्स था वो एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था उसको। इट फ्लरिश टू ए डिजायरेबल लेवल, इसके कारण जो भारत का लेवल था मतलब भारत का जो इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छी थी,
द हैंडक्राफ्ट वॉज फाइन, जो भारत के हैंडक्राफ्ट बनाए जाते थे, भारत से बनाए हुए सामान थे वो भी बहुत अच्छे थे। द क्राफ्टमैन वर स्किल्ड, क्राफ्टमैन तो हस्तशिल्प वाले जो क्राफ्टमैन थे वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे। देयर वॉज पीस एंड इकोनॉमिक प्रॉपर्टी, उनके पास में क्या थी, शांति थी और इकोनॉमिक प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, आर्ट्स कल्चर एंड आर्किटेक्चर वर ऑन देयर क्लाइमेक्स, आर्ट्स आर्ट्स बहुत अच्छा था, कल्चर बहुत अच्छा था उनका, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था, इसके कारण ही भारत को क्या कहा जाता था, और उनका क्लाइमेक्स भी बहुत अच्छा था, इस कारण से भारत को क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। इस तरह से पूरे क्वेश्चन आंसर इससे ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने पर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। थैंक यू।